भाटापारा के जीएनए कॉलेज परिसर में जिला कराटे संघ और चैंपियन मार्शल आर्ट एकेडमी ने ग्रेडिंग बेल्ट एग्जाम आयोजित किया। करीब 70 बच्चों ने कराटे का प्रदर्शन किया, जिसमें से 45 बच्चों ने बेल्ट एग्जाम दिया। वहीं एशियन रेफरी और छत्तीसगढ़ कराटे डू एसोसिएशन के सचिव अमल तालुकदार ने ग्रेडिंग एग्जाम लिया। सचिव अमल तालुकदार ने बताया कि 45 कराटे खिलाड़ियों के बेल्ट अपग्रेड हुए हैं। इस मौके पर जिला कराटे संघ के संयोजक बंटी छावड़ा, सचिव ऋषभ सिंह चौहान, खेल शिक्षक आलोक गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि आशीष जायसवाल और छत्तीसगढ़ कुराज संघ के सचिव विवेक ठाकुर मुख्य तौर पर मौजूद रहे। आज ये हमारे जिले में बलौदाबाजी जिले में कराटे का बेल्ट एग्जाम हो रहा है, जिसे बेल्ट अपग्रेडेशन बोलते हैं। इसमें हमारे भाटापारा जिले से, भाटापारा विकासखंड से 50 के ऊपर बच्चे ने ग्रेडिंग दिला रहे हैं बेल्ट एग्जाम, जिसमें वही येलो से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू एंड ब्राउन से ब्लैक बनते हैं। इसके लिए हमारे जो कराटे डू एसोसिएशन के सेक्रेटरी अमल तोगर सर आए हैं एग्जामर के रूप में, और हमारे चैंपियन मार्शल आर्ट संस्था एवं जिला कराटे संघ की तरफ से सभी टीचर्स एवं इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं साथ। आज एक्चुअली भाटापारा में छत्तीसगढ़ कराटे डू संघ और हमारा शीशन का शूटीरियो कराटे संघ के ग्रेडिंग एग्जाम, बेल्ट ग्रेडिंग एग्जाम, जो कि बच्चों का अपग्रेडेशन होता है और उसके एग्जाम के लिए आया था। इंड टाइम हम लोग उसको आगे जो बच्चे की थोड़ा बहुत कमी है उसको भी हमने चेक किया और मैक्सिमम बच्चे जो है ना बहुत अच्छे कर रहे थे भाटापारा में। मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं इतना कर पाएंगे, पर रियली हमको अच्छा लगा, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है आप लोग हैं, हमारे पत्रकार बंधु लोग और अपने छावड़ा जी है, सर ऋषभ है, इनके मार्गदर्शन में मैं और आगे चाहूंगा कि और आगे ये बढ़ेगा और भाटापारा का नाम आगे करेगा, क्योंकि मैं भाटापारा में रेगुलर हूँ, रेगुलर आते रहता हूँ और अभी पोटेंशियल बहुत है भाटापारा में बच्चों के पास, जो कि हम लोग क्योंकि हम भिलाई वगैरह में क्या होता है बहुत सारे कराटे चलता है और बच्चों को देखने मिलता है, उसके बावजूद भी यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसके क्रेडिट जाएगा यहाँ के लोगों को, यहाँ के पेरेंट्स, जो पेरेंट्स बच्चों को भेजता है वो बहुत बड़ी बात है, जो इंस्ट्रक्टर है ऋषभ है और भी जो सीनियर इंस्ट्रक्टर लोग हैं उन लोग का ही क्रेडिट जाता है।